हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल योर न्यू डायरेक्शन में। साथियों, वैकेंसी आ गई है आरआरसी रेलवे में एमटीएस के पदों के लिए, यानी कि मल्टी टास्किंग स्टाफ के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। हाई स्कूल आईटीआई पास अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पर आपको जो सैलरी है वो 36,900 रुपये पर मंथ मिल सकती है। यहाँ पर उम्र सीमा 18 से 33 वर्ष के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। ऑल इंडिया जॉब है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर 2019 रखी गई है। और अधिक बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए हमें इनकी ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उस पे चलना पड़ेगा। रेलवे की ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर यहाँ पर हम आ गए हैं और देख पा रहे हैं आपके मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। रोजगार समाचार पत्र में 14 सितंबर को इसका विज्ञापन आया है। 16 सितंबर दोपहर 12 बजे से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे और 15 अक्टूबर दोपहर 12 बजे तक आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उसके 15 दिन बाद यानी कि 31 अक्टूबर के बाद कभी भी आपकी लिखित परीक्षा संभावित हो सकती है, क्योंकि इस भर्ती का जो सिलेक्शन है वो लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। ठीक। सबसे पहला पद है मल्टीटास्किंग स्टाफ में वाणिज्य विभाग कैटरिंग इकाई सर्विस साइट के लिए वैकेंसी है। 94 पद हैं इसके लिए, 94 वैकेंसी हैं इस पद के लिए और 7th पे कमीशन के अनुसार आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। न्यूनतम आपकी क्वालिफिकेशन हाई स्कूल पास होनी चाहिए और खाद पे या खाद एवं पे अतिथि सर्विस में क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम CTS में ITI होना चाहिए आपके पास। ठीक है। या यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि SDI के तहत जो हॉस्पिटलिटीज असिस्टेंट जो मॉड्यूलर एम्प्लॉयर्स सर्विस होते हैं उनके लिए अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है उससे संबंधित तो आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। और यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी डिवाइड किया गया है पदों को, अनारक्षित, अनुसूचित जाति, जनजाति, EWS कुल, इस तरह से पदों को डिवाइड किया गया है कि किन कैटेगरी के अभ्यर्थियों को कितने पद यहाँ पर दिए जाएंगे। नेक्स्ट जो पद है मल्टीटास्किंग स्टाफ वो भी है, लेकिन ये वाणिज्य विभाग में कैटरिंग इकाई कुकिंग साइट के लिए आवेदन है। ठीक है। 24 पद हैं इसके लिए, सैलरी सेम है आपकी, हाई स्कूल पास चाहिए इसमें, साथ में बेकरी और बेकर एवं कन्फेक्शंस जो खाद प्रोडक्शन होता है जनरल में उसके लिए क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम CTS में ITI होना चाहिए, यानी कि हाई स्कूल पास प्लस ITI अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पर भी इनको कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है, आप देख पा रहे हैं। ठीक। आगे की डिटेल्स देख लेते हैं। आयु सीमा 18 वर्ष से 23-33 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। 1 जनवरी 2020 को आयु की गणना की जाएगी। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को 5 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग को 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। इसी प्रकार से भूतपूर्व सैनिक वगैरह जो होते हैं, है ना, इस तरह के अभ्यर्थी PWD, इनको भी यहाँ पर छूट मिलेगी। ओके। ये आप यहाँ पर देख पाएंगे इस PDF फाइल में। इसमें जो अभ्यर्थी आवेदन करते हैं उसके लिए इनको यहाँ पर ऑनलाइन आपको फीस जमा करनी पड़ेगी। जैसे कि आप यहाँ पर RRC जो NR के लिए जो इसे बता रहे हैं भुगतान 500 रुपये यहाँ आपको करना पड़ेगा लिखित परीक्षा के लिए। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसमें इस 500 रुपये में आपके अकाउंट नंबर, साथ में फीडिंग होगी बाद में। 500 रुपये जो अभ्यर्थी जमा करेंगे उनके 400 रुपये आपके खाते में वापस आ जाएंगे, यानी कि केवल 100 रुपये फीस यहाँ पर आपकी लगने वाली है। ठीक। ये केवल सामान्य और पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थी के लिए। अब बात करें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, महिलाएं, अल्पसंख्यक जो होते हैं, PWD, भूतपूर्व सैनिक, इस तरह के अभ्यर्थियों को 250 रुपये यहाँ पर देना रहेगा और ये पूरा परीक्षा शुल्क इनको लिखित परीक्षा में अगर आप उपस्थित होते हैं, एक यहाँ पर शर्त है, अगर आप लिखित परीक्षा में उपस्थित होते हैं तो ये 250 रुपये पूरे आपको वापस किए जाएंगे, यानी कि इन कैटेगरी रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थियों को कोई फीस नहीं लगेगी। ठीक है। और अनरिजर्व कैटेगरी में जैसे कि सामान्य और पिछड़ा वर्ग के लिए 400 रुपये वापस आएंगे, लेकिन परीक्षा में आपको उपस्थित होना पड़ेगा।
तो ये हो गया, लिखित परीक्षा से इसमें सिलेक्शन लिया जाएगा, उसके अनुसार यहाँ पर सिलेक्शन लिया जाएगा। यहाँ पर जो तैनाती है वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो कैटरिंग यूनिट है विभाग की, वो उत्तर रेलवे नई दिल्ली में यहाँ पर तैनात किया जाएगा आपको, जिनका ज्वाइनिंग होगी। और इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह दी हैं, इनको आप अच्छे से रीड कर सकते हैं। इस पीडीएफ फाइल का लिंक आपको वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर दे दिया जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अभी आवेदन नहीं शुरू हुए हैं, 16 तारीख से शुरू होंगे, जैसे ही शुरू होंगे लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा आवेदन करने का भी, ठीक है। तो इस वीडियो में इस भर्ती से संबंधित पूरी बेसिक इन्फॉर्मेशन बता दी गई है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। कोई समस्या है, कुछ नहीं समझ में आया, तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपको रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, अपने साथियों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी साथियों को जय हिंद।